दो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हम एक वचन पत्र लेके आए थे और उस वचन पत्र में फिर हमने कहा था कि ये जुमले या वादे नहीं है, ये वचन। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को, जिनने हमारे वचन पे विश्वास किया और हमें आशीर्वाद दिया। और मैं तारीफ करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी की और उनकी टीम की, जिन्होंने इस वचन पत्र के 83 वचन मात्र 75 दिन में पूरे किए और बड़े ऐतिहासिक कदम जिसमें उठाए गए। बहुत लंबा मैं उन वचनों पर ना जाके मैनिफेस्टो पे जल्दी आऊंगी, बस कुछ गिना दूं आपको। किसान का कर्जा माफी की बात हो, चाहे कन्या विवाह में 51,000 रुपए देने की बात हो, चाहे युवा स्वाभिमान योजना के तहत ट्रेनिंग और 4,000 का स्टाइपेंड देने की बात हो, 27% ओबीसी का आरक्षण देने की बात हो, जो पेंशन बुजुर्गों की और विकलांगों की दुगनी करने की बात हो, 600 रुपए करने की बात हो, बिजली बिल आधा करने की बात हो। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों को सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध हम करा रहे हैं, 44 पैसे प्रति यूनिट उपलब्ध करा दी। तो तमाम बातें हैं, 83 वचन हैं ऐसे जो पूरे करे गए हैं। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारे 75 दिन के काम के बेसिस पे हमें लोकसभा में भी अपना आशीर्वाद देगी। और लोकसभा का जो हमारा टैली बहुत ही खराब था पिछली बार 2014 में, ये बोलने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है कि हम केवल 2 सीट जीते थे, उसके बाद बाय इलेक्शन में हम 1 सीट जीते। इस तरह से कुल मिला के 29 में से केवल 3 सीटें हमारे पास हैं फिलहाल। पर इस बार हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरा रिजल्ट उल्टा हो सकता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके आएंगे। हो सकता है कि बीजेपी को संघर्ष करना पड़े 2-3 सीट लाने में भी, ऐसी परिस्थिति बन सकती जो आज हालात हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान हो, तोमर जी हो, तमाम उमा भारती हो, सुषमा स्वराज जी हो, तमाम चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि उनकी जमीन खसक चुकी है, उनकी जड़ें उखड़ चुकी हैं। अब जहाँ तक हमारे मैनिफेस्टो की हम बात करते हैं, एक और बात, राहुल जी ने बेहद संवेदनशील, बेहद ऐतिहासिक निर्णयों वाला मैनिफेस्टो जनता के रूप सामने हम लेके आए हैं। इस मैनिफेस्टो में जो मुख्य बिंदु हैं उन पे मैं भी चर्चा करूंगी, मेरे साथ सब मेरे साथी भी हैं, वो भी अगर कुछ बोलना पाए, आदरणीय चाचा आनंद मोहन माथुर जी भी उस पर प्रकाश डालेंगे। कुछ बिंदुओं पर मैं बोलती हूँ, फिर मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी आपको संबोधित करें। न्याय योजना जो लेके आए हैं राहुल जी, बेहद अच्छी योजना है और इस योजना से एक ये वार है गरीबी पर। और इस योजना के तहत जो भी परिवार जिसकी मासिक आय 12,000 से कम है, और ऐसे परिवार को कांग्रेस की सरकार 6,000 रुपये महीना देगी,